गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है अ मैन हैज़ टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, नॉर्थ की तरफ 50 मीटर गया, यानी कि यहाँ पर गया 50 मीटर। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। फिर कहता है 40 मीटर ड्यू ईस्ट, अब मान लीजिए ईस्ट में गया 40 मीटर, ठीक है, 40 मीटर ईस्ट में गया। एंड 20 मीटर ड्यू साउथ, तो 20 मीटर साउथ में गया, तो 20 मीटर साउथ कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ कहता है कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, पहले वाले क्वेश्चन में कहता है व्हाट डिस्टेंस ही कवर। तो देखिए, डिस्टेंस कवर में लिटरली हम ऐड कर देंगे, तो डिस्टेंस जो है हो जाएगी आपका 50 प्लस 40 और प्लस 20, यानी कि 5110 मीटर। ये हो गया आपका डिस्टेंस जो उसने कवर किया। अब उससे पूछा गया है क्वेश्चन में कि डिस्प्लेसमेंट कितना है उसके घर से फील्ड के लिए, यानी कि खेत के लिए, फील्ड के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हम जानते हैं कि इनिशियली वो यहाँ था और फाइनली वो यहाँ पहुँचा है, ठीक है। तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए। तो देखो, ये डिस्टेंस निकालने का तरीका कैसे करते हैं, ये 20 मीटर है तो यहाँ से ये ड्रॉ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, अगर हम परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दें तो ये 20 मीटर, तो ये भी 20 मीटर होगा, तो ये कितना होगा, ये 30 होगा, क्योंकि पूरा यहाँ से यहाँ 50 है और ये 40 है। तो ये हम एक प्रकार का ट्राइंगल बन जाएगा जिसमें ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो इसको ओ ए और बी मान लें, तो बी वाले ऑप्शन में ट्रायंगल ओ ए बी में अगर हम देखें तो ओ ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 900 और ये बन जाएगा 16, यानी कि 2500 आ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ये 50 आ जाएगा, ओ ए की वैल्यू केवल 50 मीटर, ठीक है। तो ये 50 मीटर हो गया। अब ये कितना एंगल बना रहा है, यहाँ एंगल भी देख सकते हैं। तो टैन थीटा, अगर मान लीजिए ये 90 डिग्री है, तो अगर ये थीटा एंगल है यहाँ से, ठीक है, वर्टिकल से थीटा एंगल है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है ना, या इसको एक काम करते, ये थीटा मान लीजिए, ये थीटा मान लीजिए, तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस 30 अपॉन 40 यानी कि 3/4। अब ये जो है ये किस एंगल पर है, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स 3/4 नॉर्थ टू ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ टू ईस्ट, यानी नॉर्थ से जो है ईस्ट की तरफ है 3/4 टेन इनवर्स जो आपका एंगल आया है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। गुड बाय।